वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितेश धवन व्लॉग्स। और मैं आज आ गया हूँ शैलो वाटर बीच, जो कि ऑकलैंड का कोई बहुत जाना माना बीच नहीं है, बट मेरे घर के पास यही है। तो चलो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर द बीच। और मैं अकेला आया हूँ क्योंकि मेरे तीन दोस्तों ने मेरे साथ आना था, बट उन्होंने मुझे लिटरली में चूतिया बना दिया। बट आई डोंट केयर, मैं अपने लिए बहुत हूँ और आई विल एन्जॉय, आई विल सिंपली चिल, मे बी सिट फॉर एन आवर एंड देन गो बैक। So relaxing, it's so peaceful out here. और जैसा कि मुझे लगा ही था कि बीच एकदम खाली होगा, और वैसा ही है। आज सैटरडे इवनिंग है तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो इस साइड बीचेस पे नहीं जाते, मिशन बे साइड जाते हैं, बट और मोस्टली लोग पार्टी करते हैं सैटरडे। तो अभी बिल्कुल बीच पे एक भी बंदा नहीं है, एकदम खाली बीच है, बहुत ही पीसफुल है। मुझे वहाँ सामने एक बेंच नज़र आ रहा है, वहाँ जाके मैं बैठूँगा और थोड़ी देर ये शांति एंजॉय करूँगा। ये बेंच था जहाँ मैं मस्त आधा घंटा बैठा और झपकियाँ आ गई थी मुझे, इतनी पीसफुल है ये जगह। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इस बीच को करीब से देखते हैं। बाइक राइडिंग की जा रही है यहाँ पे और लोग आ गए हैं बीच पे, और एक भाई साहब अपना कुत्ता घुमाने भी लाए हैं। बहुत ही पीसफुल और शांत बीच है ये, मतलब यहाँ पे अगर अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और कुछ सोचना है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे आके आराम से टाइम स्पेंड किया जा सकता है। अब जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ थोड़ा स्मेली है, बट इतना भी नहीं कि बर्दाश्त ना हो। ओवरऑल बहुत सही है। तो मैं काफी आगे तक आ गया हूँ, आई गेस अब इससे ज्यादा आगे तो नहीं जा पाऊंगा। और जैसे जैसे अब मेरे पैर भी जो हैं वो जमीन में ढकने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये पानी हाई टाइड में बिल्कुल वहाँ कोने तक आता है। तो अब यहीं से ही इसको एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो गया। मैं अभी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ शिफ्ट कर रहा था, मैं बैग था जिसमें गोप्रो था, कैमरा था, ड्रोन भी था जो मैंने अभी नया ही ख़रीदा परसों, और आज मैंने सोचा था कि फ़र्स्ट फ्लाइट लूँगा अपनी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बैग भी मैं वहीं भूल गया और मैं बीच पर आ गया। अब 20 किलोमीटर दूर आने के बाद मुझे याद आ रहा है कि फक आई हैव लेफ्ट माय बैग एट द स्टोर, सो आई एम नॉट गोइंग बैक। मैंने इन्फॉर्म कर दिया वहाँ पे, बैग वहीं रहेगा अभी फ़िलहाल, वापसी जब यहाँ से जाऊँगा तो आई विल टेक इट। फिलहाल आईफोन से ही ये व्लॉग बन रहा है फिर, इसलिए नो गोप्रो, नो कैमरा, नो ड्रोन, ओनली आईफोन वीडियोस एंड मी। दूर दूर तक सिर्फ पानी है और मैं हूँ इस बीच पे, और घंटा कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी कहाँ जा चुका है, मेरे पीछे पानी इतना भर गया है।
और मेरे चारों तरफ इतना ही पानी है, इसी पानी में से निकल के जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मस्त ठंडा पानी है, मज़ा आ गया। ये वो एक मैंने ईट रखी थी जहाँ मैं टाइम लैप्स बना रहा था, और तब यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं था, ये 10 मिनट पहले की बात है। और अब जैसे जैसे शाम हो रही है, ये जो पानी है ये वहाँ कोने तक पहुँच जाएगा। शाम होने तक तो मैं नहीं रुकूँगा, बट हाँ कुछ देर अभी ज़रूर यहाँ बैठूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फेवरेट स्पॉट बनने वाला है आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज़ मुझे शांति बहुत पसंद है और मैं अकेले सोलो ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, तो उस हिसाब से दिस विल बी माय गो टू स्पॉट ईच एंड एवरी टाइम माय फ्रेंड टच मी और आई एम लाइक फ्री एंड नो वन एल्स इज अवेलेबल और जो कुछ भी। सो ये कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा व्लॉग नहीं है, क्योंकि इसमें बस मैंने मुश्किल से 5 या 10 मिनट रिकॉर्ड किया होगा, और नॉर्मल मेरे घर के पास ही एक ये बीच है, वही मैंने दिखाया है। और ये ऑकलैंड का मेरा शायद पहला बड़ा ब्लॉग है, एक आधा मैंने शायद पहले डाला हो तो मेरे को ऐसा याद नहीं है, बिकॉज मैं शॉर्ट्स ही बनाता हूँ ज़्यादा, लॉन्ग वीडियोस के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, बिकॉज़ यहाँ पे स्टडीज़ भी है, मैं 11th मास्टर्स कर रहा हूँ, उसके अलावा आई एम ऑल्सो डूइंग सम जॉब ओवर हियर, आई एम वर्किंग एट 2 degrees, और उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, तो हाँ बड़े व्लॉग के लिए टाइम नहीं है, छोटे व्लॉग से ही काम चलाना पड़ेगा अभी। सो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, अब टाइम हो गया है वापस जाने का। मैं सोच रहा था सनसेट तक यार रुकूं, बट मेरे को एक्चुअली काम पड़ गया तो आई एम गोइंग, और मुझे अपना लैपटॉप बैग वगैरह भी लेना है, और उसके साथ साथ बारिश भी फिर से शुरू हो गई है, तो आई थिंक अभी ये टाइम सही है जाने के लिए। So I'll see you in next vlog. Bye bye, take care. See you guys.